तो आप सब शिव बाबा के बच्चे हो। तो बाबा ने कहा मैं बच्चों को वर्षा देने आया। कौन सा वर्षा देगा? हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, निरोगी काया, निर्मल मन, धन संपत्तियों से भरपूर स्वर्ग कहते हैं। ये वर्षा हर एक को मिलेगा, सोच लो हर एक बाबा के बच्चे हैं। तो हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सभी को मिलेगा कि थोड़ों को मिलेगा? हाँ, तो भाई जी कहते हैं पुरुषार्थ करेंगे तो मिलेगा। तो क्या पुरुषार्थ करो? अगर इस शरीर को कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए तो क्या पुरुषार्थ करो? अगर मुझे धन से कभी गरीब नहीं बनना चाहिए तो क्या पुरुषार्थ करो? कितना ज्ञान दान करना चाहिए? शरीर को कभी बीमारी नहीं आना चाहिए तो क्या करो? कितना सेवा करना चाहिए? किसकी सेवा करना चाहिए? कितनी करनी चाहिए? वो भी चाहिए ना। तो ये सब तीनों की व्यवस्था चाहिए। तो बाबा कहते हैं वर्षा देने आया हूं, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। शरीर को 21 जन्मों का गारंटी देता है। सारे कल्प के लिए इस शरीर को कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। तो क्या पुरुषार्थ करना चाहिए बताओ? तब बाबा ने कहा, अच्छी तरह सुनना, बाबा ने कहा इस शरीर को कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए सारे कल्प में, तो क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? तो शिव बाबा ने कहा इस धरती पर शिव बाबा ने आके रुद्र यज्ञ रचा हुआ है। ये रुद्र यज्ञ सेंटर हो, मधुबन हो, कहीं भी, ये भगवान की ईश्वरीय विश्वविद्यालय है ना। इस यज्ञ की एक मिनट सेवा करो शरीर के द्वारा, एक जन्म के लिए निरोगी काया वरदान ये यज्ञ देगा। बाबा विधि बताता है, क्या विधि बताता है इस रुद्र यज्ञ की? शिव बाबा के सेंटर है, गीता पाठ चला हो, सेंटर हो, मधुबन हो, कहीं भी, शिव बाबा ने इस सृष्टि पर ये रुद्र यज्ञ रचा है, मंजूर। इस यज्ञ की एक मिनट सेवा करो इस शरीर से, खुर्ची इधर का इधर निकाल के रख दो, सफाई करो या बेडशीट ठीक करो, हाँ किचन में कुछ कवर सब्जी काट के दे दो बाबा को भोग लगने वाला, बर्तन साफ करो, सफाई करो, बाबा के गार्डन में पानी डालो, कोई भी एक मिनट इस तन से, आपका तन नहीं है, आप ले आए थे, ले जाएंगे कल, छोड़ देना है ना, भगवान ने दिया है। तो इस शरीर से इस यज्ञ की एक मिनट सेवा करो, एक जन्म के लिए निरोगी काया ये यज्ञ देगा धरती में। एक बीज बोलो, भगवान नहीं देता है, विधि बताता है। ये धरती 50-100 दाना देती है ना, ऐसे ये यज्ञ है। इस यज्ञ की एक मिनट सेवा करो तो एक जन्म निरोगी, कोई बीमारी नहीं होगी। तो कितना जन्म के लिए आपको चाहिए? इक्कीस जन्म, हाँ, तो सारे कल्प के लिए चाहिए। तो कितना मिनट करना चाहिए वो आप सोचो। अगर जितना मिनट आप करते हो, आपके हाथ में कलम दिया है, भाग्य आपके हाथ में, 10 जन्म के लिए चाहिए, 5 जन्म के लिए चाहिए, 25 जन्म के लिए चाहिए, 50 जन्म के लिए चाहिए, आपके हाथ में।